मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। कल कुछ क्वेश्चन दिए थे अपन ने, ठीक है? घर के लाए पूरे? यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना 2/3 + 5/3। तो ये जो क्वेश्चन थे वो कौन से क्वेश्चन थे? कॉमन एलसीएम वाले। तो यहाँ पर बताओ कि कॉमन एलसीएम क्या है? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, और इधर भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो जब भी सेम डिनोमिनेटर आए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉमन एलसीएम। क्योंकि दोनों में क्या है? सेम है, तो सेम चीज को क्या बोलते हैं अपन? कॉमन। तो दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन एलसीएम। तो यहाँ पर कॉमन एलसीएम क्या है? 3 है। और ऊपर क्या लिखेंगे अपन? एज इट इज, दैट इज एज इट इज, जो दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या है? 2 + 5 और 2 + 5 कितना होता है? 7/3। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन था अपना, आते हैं क्वेश्चन एक बता रहे बस। 7/5 - -3/5 + 4/5 फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, सबके 5 5 5। तो कॉमन एलसीएम क्या हो गया यहाँ पर? 5। यहाँ एंटिटीज लिखना है आपको विद साइन। तो यहाँ पर 7 किसका है? प्लस का। 3 किसका है? माइनस का। और 4 किसका? प्लस का। ठीक है, अब सबसे पहले जो प्लस प्लस वाले इनको ऐड करो, 7 + 4 11 माइनस 3 अपॉन 5 करना है, इसका इससे करना है, ठीक है? तो b into
सेम, और उसको सोल्व करना है। तो वैसे नंबर ये है तो एक क्वेश्चन ले जिसपे फर्स्ट क्वेश्चन अपना 2/5 + 3/7। एक तो ये मेथड है इसका, एक सेकंड मेथड भी है। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले बताओ यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर क्या है 5 और इधर क्या है 7। तो 5 × 7 कितना होता है 5 × 7। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 × 7। अब बताओ यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7। याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था 2 किससे होगा 7 से। तो 2 × 7 बीच में कौन सा है प्लस और इधर क्या आएगा 5 × 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है। तो 2 × 7 14 प्लस 5 × 3 15 अपॉन 5 × 7 का 35। 14 प्लस 15 29 और इधर क्या है 35। क्या घट रहा है किसी से? नहीं घट रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा 29 और 35। ठीक है एक क्वेश्चन करो, अगर यहाँ पर प्लस लग रहा है प्लस लगाना है, अगर यहाँ पर माइनस लग रहा है माइनस। ओ 5/7 − 3/5 माइनस लग रहा है तो माइनस लगाना है और प्लस लग रहा है तो प्लस लगाना है। E into B into
डी समझ में आ गया। और अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, टू अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन सेवन प्लस थ्री अपॉन फाइव, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों डिनोमिनेटर क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा थ्री इंटू सेवन इंटू फाइव, क्या आएगा पर तीनों डिनोमिनेटर क्या होंगे मल्टीप्लाई नॉट सेम। अभी बताया था मैंने तीनों डिनोमिनेटर क्या करने मल्टीप्लाई, थ्री इंटू सेवन इंटू फाइव। अब यहाँ पर देखो ऊपर टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू को, टू इंटू थ्री को छोड़कर सेवन और फाइव से, सेवन इंटू फाइव प्लस की जगह प्लस, इसके बाद फाइव किससे मल्टीप्लाई होगा थ्री और फाइव से, फाइव इंटू थ्री इंटू फाइव, फिर कौन सा है प्लस का, इसके बाद थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा थ्री और सेवन से, थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा थ्री और सेवन से। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सेवन फाइव का थर्टी फाइव इंटू टू सेवेंटी प्लस फाइव फाइव का ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव प्लस मल्टीप्लाई करना बस थ्री थ्री जा